एंड हम इस सेशन में वीपीसी क्रिएट करने का देखेंगे ये टेराफॉर्म स्क्रिप्ट थ्रू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वीपीसी है जो डिफॉल्ट वीपीसी है, एंड हम एक नया वीपीसी क्रिएट करेंगे। तो स्क्रिप्ट में जाते हैं। ओके सो बहुत इजी स्क्रिप्ट है। सो रिसोर्स यूजिंग द AWS अंडरस्कोर वीपीसी, एंड वीपीसी का नाम दिया है, एंड मैंने CIDR ब्लॉक दिया है, मतलब कि कौन सा IP रेंज आपको यूज़ करनी है आपके वीपीसी में। तो यहाँ पे मैंने 16 का नेटवर्क दिया है, 10.0.0.0/16 का नेटवर्क। इंस्टेंस टेंडेंसी डेडिकेटेड दिया है कि डेडिकेटेड इंस्टेंस के लिए रहेगा, अगर आप नहीं देते तो डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा। एंड मैंने वीपीसी का नाम दिया है टैगिंग में माई वीपीसी। बहुत इजी है। सो रन करते हैं, अपना वीपीसी क्रिएट करते हैं। तो टेराफॉर्म प्लान, ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीपीसी क्रिएट कर रहा है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वीपीसी क्रिएट कर देते हैं। कंफर्मेशन, यस, सो यहाँ पे एक वीपीसी है, एक और माई वीपीसी विल बी क्रिएटेड, स्क्रिप्ट सक्सेसफुल रिटर्न देगी। तो ओके सो अपना रिसोर्स क्रिएट हो गया है। तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं एक नया वीपीसी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और वो डिफॉल्ट नहीं है, उसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। एंड यहाँ पे अपने टेंडेंसी दिया था डेडिकेटेड, डिफॉल्ट भी नहीं दिया था। ओके सो बेसिकली ये स्क्रिप्ट थी वीपीसी क्रिएट करने के लिए। एक और चीज़ है कि आप जब वीपीसी क्रिएट करते हो तो वीपीसी का डिफॉल्ट राउट टेबल अपने आप बन जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे वीपीसी का राउट टेबल बन जाता है। यहाँ पे अभी कोई सबनेट हमने बनाया नहीं, इसलिए सबनेट एसोसिएशन में 0 दिख रहा है, बट वीपीसी का जो राउट टेबल है डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये था वीपीसी क्रिएट का टेराफॉर्म स्क्रिप्ट, एंड आई होप कि आपको आइडिया आएगा मतलब कैसे वीपीसी क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब योर एंड ऑल्सो शेयर योर वैल्यूबल कमेंट्स इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।